मयूर विहार इलाके में एक दोस्त ने दोस्त की पत्थर से वार करके निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक दोस्त ने दोस्त की पत्थर से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक आरोपी पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान भरत के तौर पर हुई है। वह मयूर विहार थाना अंतर्गत त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला था। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि आरोपी की पहचान मोनू के रूप में हुई है। तड़के तकरीबन 4:30 बजे मयूर विहार थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान त्रिलोकपुरी में एक युवक दिखाई दिया, जिसके कपड़े पर खून सने थे। पुलिस ने युवक को रोका और कपड़ों पर लगे खून के बारे में पूछा तो युवक ने बताया कि उसने अपने दोस्त भरत की पत्थर से वार कर हत्या कर दी है। वह थाना जा रहा था। पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में लिया और आगे की पूछताछ कर मौके से भरत का शव बरामद हुआ। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि आरोपी ने युवक की हत्या कबूल कर ली है। पूछताछ में बताया कि मृतक मोनू उसके साथ पिछले काफी समय से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने भरत की हत्या कर दी। इसके साथ ही दोनों के बीच पैसे का भी लेन देन को लेकर विवाद था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, जिसको मारा गया कौन है? क्या नाम था? भाई था। क्या नाम था भाई का? भारत। भारत, क्या क्या क्यों मारा उसको? पैसे ले रखे थे भारत से, उनने 1-1.5 साल पहले 3-4 लाख रुपए उसमें से कुछ ही पैसे लुटाए। उसके बाद इनकी अनबन हो गई होगी। एक बार फोन भी चोरी कर लिया था 1 साल पहले 35,000 रुपए का उसका, और रात में लेके चले गया, पी खाई और ईंट मार दी सर में। किसने मारा भाई को? आपके मोनू ने। उसने कुछ कहा आप लोगों को मारने के बाद? आप लोगों से कुछ नहीं कहा, बस उनने इतना कहा कि मेरे को अभी मजा नहीं आया मारने में। मजा नहीं आया। दीपक। हाँ दीपक, जिनका मरे हुआ है क्या लगते हैं, क्या नाम है उनका? बड़े भाई। क्या नाम था? भरत। क्या हुआ था भरत के साथ? 4 बजे गए थे शाम के टाइम तैयारी वालों के सगाई में जाना था उन्हें, तो जब से फिर पता नहीं चला, फिर सुबह पता चला कि घर पर जब 3-4 पुलिस वाले आए, तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया कल्याणपुरी वहाँ पे त्रिलोकपुरी थाने से बोल गया था। फिर हमने गए तो वहाँ पे कुछ ईंट वीट रखी हुई थी, खून पड़ा हुआ था, वहाँ पे बाकी कुछ नहीं था, फोन भी फेंक दिया गया जिनने मारा था, फोन पर्स पुलिस के पास पर्स। और वो लड़का क्या? किसने मारा था आपके भाई को? मोनू ने। तो मोनू जो था, क्या पुलिस ने पकड़ लिया उसको? क्या हुआ अभी? जी थाने में गिरफ्तारी हो गई उसकी। हाँ। क्या वजह मारने के भाई को आपको? पैसे वैसे के चक्कर में था मारने के। इलाके में एक हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला, क्या कारण है? ये एक मैटर रिपोर्ट हुआ था हमें, तकरीबन 4:30 बजे के करीब का इंसिडेंट का टाइम है। मोनू नाम का एक युवक है, उसने अपने एक साथी की जो भरत है उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद ये खुद ही थाने की तरफ आ रहा था, और वहाँ जो हमारी ईआरवी गाड़ी ने जब उसकी बॉडी में ब्लड स्टेन्स देखे तो उसको रोक के क्वेश्चन किया, तब उसने इस क्राइम के बारे में बता दिया कि उसने अपने एक दोस्त की हत्या की है। पूछताछ करने पर पता चला है कि ये दोनों दोस्त थे, जानने वाले थे, इनकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी और पिछले तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का जो रीज़न रहा है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रहा है। बाकी इसके अलावा ये भी था कि इसमें जो एक्यूज है इसको कुछ पैसे भी देने थे, जो डिसीज्ड है किसी का मोबाइल इसने बिकवाया था तो उसमें ये कह रहे थे कि इसको कुछ पैसे भी वो डिमांड करता था, जो डिसीज्ड है इससे पैसा डिमांड करता था। बट अभी हमारी जो शुरुआती पूछताछ है उसमें इमीडिएट जो कॉज ऑफ प्रोवोकेशन है वो डिमांड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स। सर जैसे कि आपने बताया फेसबुक से इनकी दोस्ती सोशल मीडिया के चलते, तो क्या ऐसा ऐसा है कि और लोग भी संपर्क में रहे इस, या पूरा एक इनका समूह हो ये सेक्सुअल हरेसमेंट का? ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग कवर करेंगे। बाकी अभी जो पूछताछ है उसमें केवल इन्हीं का ही, इन्हीं दोनों की ही दोस्ती का मामला सामने था। ठीक है।